Hi students, today in this video I'll explain you the summary of the chapter The Babus of Nanjore. Actually this is a short story and it tells the tale of Nanjore Kailas Babu, who hails from a wealthy family of Jamindars. Kailas Babu had to leave Nanjore and move to Kolkata because of some reasons. The story is from the point of view of a self-contained young man who is the neighbor of Kailas Babu. So as this is a story, an extract from Rabindranath Tagore's short story of the same title, it is narrated by an selfish and self-centered man and centers on a Kailas Babu who was an old man and lived in his neighborhood. So Kailas Babu's ancestors had been very rich, but they had lost all their wealth. और वो इतने ज़्यादा rich थे that once they decided कि क्यों ना जो money है वो कहीं पर खर्च कर दी जाए, तो उनके पास ये idea नहीं था कि money को खर्च कहाँ पर किया जाए. Then they decided that हमें marriage करनी चाहिए cat की and we should spend एटलीस्ट उस टाइम पे भी उन्होंने लाखों रुपए उस मैरिज पे खर्च कर दिए थे एक कैट की मैरिज के लिए. सो यू कैन इमेजिन एंड यू कैन ऑल्सो सेस दैट हाउ रिच एंड वेल्दी फैमिलीज वुड दे हैव व्हेन द इंसेस्टर्स वर इन नैनजोर. बट दे हैड लॉस्ट ऑल देयर वेल्थ. डिस्पाइट दैट कैलाश बाबू हैड नॉट लॉस्ट हिज रॉयल कर्टेसी और रिफाइनमेंट. हाउएवर अब उनके पास मनी नहीं थी, बट पोलाइटनेस जो प्योरिफिकेशन है वो आज भी उनके नेचर में थी. ही वुड स्टिल प्राइड हिमसेल्फ टू बी फ्रॉम प्रिंसली जमींदार फैमिली ऑफ नैनजोर. और आज भी वो ऐसा बिहेव करते थे कि जैसे कि वो प्रिंस हो जमींदार फैमिलीज के जो नैनजोर में रहते थे. ही वॉज लुकड अप टू बाय ऑल एक्सेप्ट फॉर द नरेटर. The narrator disliked Kailas Babu. The reason was that even though he was an eligible bachelor among all the young men of Bengal, Kailas Babu hadn't offered him his only granddaughter. क्योंकि उन्हें ऐसा फील होता कि दैट ही वॉज अ यंग मैन ऑफ बंगाल, तो क्यों मुझे जो कैलाश बाबू ने अपनी ग्रैंड डॉटर का अभी तक रिश्ता नहीं भेजा. कैलाश बाबू हैड मेड इट क्लियर दैट द बाबूज ऑफ नैनजोर नेवर क्रेव्ड अ बून. The meaning of craved is here powerful desire for something. His arrogance was what argued the narrator. जो उनकी arrogance थी कैलाश बाबू की वो irritate करती थी narrator को. Due to his annoyance, he decided to play a prank on Kailas Babu. तो वो decide करते हैं क्योंकि क्यों ना prank किया जाए कैलाश बाबू पे. So Kailas Babu's friend had flattered the old man by telling him that whenever he saw the Chotalat Sahib, the lieutenant governor would always ask about the Babus of Nanjore. तो इसलिए क्या करते हैं कि कैलाश बाबू जो एक फ्रेंड होते हैं उनके पास जाते हैं कैलाश बाबू के पास, वो फ्लैटेड करते हैं ओल्ड मैन के बारे में कि एक यहाँ पे जो गवर्नर है वो यहाँ पे नैनजोर के बारे में सुन रहे हैं, जो बाबूज़ होते हैं नैनजोर के बारे में, तो वो उनसे मिलना चाहते हैं. वो एक फ्लैटर करने के लिए वहाँ पे पहुँचते हैं. एंड देन द बाबूज ऑफ नैनजोर एंड वुड से दैट इन ऑल बंगाल द ओनली रिस्पेक्टेबल फैमिलीज वर दोज ऑफ महाराजा ऑफ कौसीपुर एंड बाबूज ऑफ नैनजोर. हियरिंग दिस कैलाश बाबू वुड बी एक्सट्रीमली ग्रेटिफाइड. द मीनिंग ऑफ द ग्रेटिफाइड इज प्लीज्ड और सेटिस्फाइड. उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्लीज्ड और सेटिस्फाइड हो गए थे क्योंकि उस टाइम पे गवर्नर जो थे उनके घर पे आना था. इट वॉज अ प्राइड मोमेंट फॉर कैलाश बाबू. वो बहुत अच्छा फील कर रहे थे कि वो उन्हें स्पेशली इसलिए मिलने आ रहे हैं कि वो सो दैट वो मिल सके बाबूज ऑफ नैनजोर को. तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा ग्रेटिफाइड फील कर रहे थे. टेकिंग दिस एपिसोड अहेड द नरेटर वन डे टोल्ड कैलाश बाबू दैट ही हैड मेट द छोटलट साहब. तो एक दिन वो बताते हैं कि नरेटर रवि बाबू बोलते हैं कि मैं मिल के आया हूँ आज गवर्नर साहब को एंड हु टोल्ड हिम दैट ही वुड बी पेइंग कैलाश बाबू अ विजिट सून, कि मैं उनके घर पर जल्दी ही विजिट करने वाला हूँ.
हियरिंग दिस कैलाश बाबू मेड एलैबोरेट अरेंजमेंट्स करते हैं वेलकम करने के लिए. हाउएवर ही डिडंट नो दैट अंडर द गार्ब ऑफ द छोटा लट साहब वॉज द नरेटर्स फ्रेंड. हाउएवर उन्हें ये नहीं पता होता जो गार्ब है, द मीनिंग ऑफ द गार्ब इज हेयर क्लोथ्स ऑफ स्पेशल काइंड. जो क्लोथ्स पहनते हैं उस टाइम के राजा महाराजा पहना करते थे, उस क्लोथ्स में वो उनके घर पे एज अ लेट साहब बन के आते हैं. दो द प्रैंक वर्क, और प्रैंक वर्क भी कर जाता है क्योंकि जो कैलाश बाबू हैं वो उनको पहचान नहीं पाते. कुसुम सॉ थ्रू इट एंड टीयरफुली कन्फ्रंटेड द नेटर, बट अनफॉर्चुनेटली उस चीज़ को उनको नहीं पता होता कि ये चीज़ ऑब्जर्व हो जाएगी. बट कुसुम क्या है, वो हर चीज़ को ऑब्जर्व कर लेती है जो वो वहाँ पे करने की कोशिश करती है, और जो लोग वहाँ पे उनको एक प्रैंक शो करना चाहते हैं उस ओल्ड मैन के लिए. सो द नरेटर वॉज वेरी ट्रबल्ड एंड रियलाइज हिज प्रैंक एंड हर्ट कुसुम बैडली. तो जब कुसुम को ये सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है कि ये प्रैंक हो रहा है, तो कुसुम जो है कन्फ्रंट करती है नरेटर को, मीन्स टू से रवि बाबू को, एंड शी वॉज इन अ रियली ट्रबल दैट ही ऑल्सो रियलाइज दैट हिज प्रैंक हैड हर्ट कुसुम बैडली. और उसे भी समझ में आता है कि मैंने आज कुसुम को हर्ट किया है. He felt guilty and took all the stolen goods. वो सारे चीज़ें जो हैं वो वहाँ से उठा लाता है जो कि कैलाश बाबू ने इतने प्यार से जो हैं वो as a जो you know you can also say as a gift जो उन्होंने गवर्नर को present as a present भी दिया था उनको. तो back to कैलाश बाबूज room, on reaching there he learned that in spite of knowing the truth. और जब वो वहाँ पर पहुँचते वो सारा सामान लेके जो भी उन्होंने as a gift देते हैं वो गवर्नर को. so कुसुम didn't let her grandfather know. और कुसुम अपने grandfather को ये नहीं पता चलने देती that the Chotalat साहिब's visit was जस्ट अ प्रैंक, के जो विजिट होती है वो प्रैंक होती है. क्योंकि जो कुसुम है उसे सारी स्टोरी पता होती है, प्रैंक है कि जो मेरे यू नो दादाजी के ऊपर प्रैंक किया गया है कि कोई भी गवर्नर रियलिटी में वहाँ पे उनके घर पे नहीं आया था, वो तो कोई और ही ड्रेस पहन के उनके ही फ्रेंड जो थे रवि बाबू के वही ये रोल प्ले कर रहे थे. हाउएवर इस चीज़ के बारे में कुसुम को पता था, बट उन्होंने क्या किया, उनको ये रियलिटी जो है अपने ग्रैंडफादर के आगे वो नहीं लेके आई. हर काइंडनेस एंड लव फॉर कैलाश बाबू ब्रॉट टीयर्स टू द नरेटर्स आई. और उसकी जो काइंडनेस है, उसका लव जो है कैलाश बाबू के लिए, उसकी आईज़ में जो है टीयर्स लेके आ गया, और रवि बाबू वहीं पे रोने लगे. सो स्टूडेंट्स, दैट वॉज द शॉर्ट स्टोरी ऑफ द चैप्टर द बाबूज ऑफ नैनजोड by Rabindranath Tagore.